चलिए अब बुलेटिन में बात करेंगे ईद के मुबारक त्योहार की। दुनिया भर में आज यानी कि मंगलवार को धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। रमजान के 30 रोजों के बाद आज ईद का त्यौहार रोजेदारों के चेहरे पर खुशी लेकर आया है, तो वहीं कोरोना के बाद इस ईद का त्यौहार पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। आज लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, आपसी सौहार्द और प्रेम के साथ इस ईद के पर्व को मनाया जा रहा है। तो वहीं ईद के मौके पर आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़कर अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं की। ईद के इस खास दिन घरों में शीर खुरमा बनाया जाता है, जिसके बाद सभी लोग अपने करीबियों से मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो वहीं जयपुर में भी ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की गई। लाख से सवा लाख नमाजी नमाज अदा करने के लिए यहां पहुंचे। ईदगाह के काजी खाली रुस्मानी ने ईदगाह में नमाज पढ़ाई और ईद की नमाज के बाद अमन और चैन की दुआएं मांगी गई। इसी के साथ पूरे जयपुर शहर की मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। ईद के मौके पर मस्जिदों में खास सजावट भी की गई है। ईद उल फितर की नमाज के बाद में अभी दुआ के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह नमाजी आप एक लंबी कतार के साथ में आ रहे हैं, और दो साल के बाद जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के बाद में ये जो नमाजियों का जोश है और हुजूम है आप देख सकते हैं, अच्छी खासी तादाद में जयपुर शहर के ईदगाह में पहुँचे हैं और लगातार यहाँ पर जो है दुआओं अभी नमाज के बाद में दुआ होने के बाद में जो है पूरा रोज़ेदार जो है पूरे महीने रमज़ान रखने के बाद में जब ईद का एक खुशी होती है, ईद का जो माहौल होता है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक एक अलग ही माहौल है, और यही है ईद का माहौल और यही है गंगा जमनी सैवत तहजीब जो अपने जयपुर में आपको हमेशा से मिलेगी, और यही माहौल लगातार यहाँ पे बना हुआ है। देखिए आप किस तरह से लगातार यहाँ पे चारों नमाजी ही नमाजी हैं जो चारों तरफ से आ रहे हैं, एक अलग ही माहौल बना हुआ है जयपुर शहर का। और ख़ास बात यह है कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से खास और पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। भाई बताइए, दो साल के बाद अब की बार ईद कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे को अच्छा लग रहा है जी। आप बताइए भाई। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, दो साल के बाद। इससे पहले कभी बहुत मासी भी आई हुई थी, मगर आप कैसे? बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। ये जो भीड़ है जो नमाजियों की, रोज़ेदारों की, रोज़ा रखने के बाद 30 दिन के बाद ये नमाजी जो आए हैं, अलग ही है। दो साल के बाद इतनी भीड़ बहुत समय बाद देखी है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्र है मालिक का, ये दिन देखने को हमें मिला। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ भी नमाजी अभी नमाज पढ़कर आ रहे हैं। आप बताइए भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। दो साल बाद ये खुशी देखने को नसीब मिली है जी। आप बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है माशाल्लाह, बहुत अच्छे रोजे गुजरे हैं और बहुत ही अच्छी तरावी वगैरह नमाज बहुत बेहतरीन हुई है। ईदगाह पे तो इस बार बहुत अच्छी भीड़ आई है नमाजियों की। बिल्कुल, बहुत बहुत भीड़ आई माशाल्लाह, लाइफ में पहली बार देखा इतना आदमी। दो साल में माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। दो साल के बाद अब ईदगाह में नमाज पढ़ने को मिली, बहुत बढ़िया रहा, पब्लिक भी खूब आई माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं ये भीड़ लगातार चल रही है और यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं लोग बाग, और साथ ही भीड़ जो है वो ज़बरदस्त है। आप बताइए भाई जी।
अलग माहौल है इस बार। देखिए कोरोना के बाद अगर जो सबसे ज्यादा इस वक्त ईद का माहौल आपको दिख रहा है, कल भी आपको रात को आपने लाइव किया रामगंज बाजार से और इस वक्त भी आपको इस माहौल दिख रहा है, तो ये खुशी है बहुत ज्यादा मुसलमानों के लिए भी और पूरे आवाम के लिए हिंदुस्तान की कि ये खुशी का माहौल है, सब मिलके मनाते हैं ईद का त्यौहार। और सबसे बड़ी बात जो ईद के अंदर है बोले खुलूस मिठास और जो है सिवैयों की वो मजहब के साथ भी है, सब इखलूस के साथ इखलास के साथ रहते हैं, जो मुल्क का जो माहौल है उस माहौल को ये दिखाता है कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ चलने वाले हैं। हिंदुस्तान की जो नींव है वो मज़हब की जो दीवार खींची गई उसको दूर करने के लिए कि एक साथ ये ईद का माहौल बने और खुशी के साथ चले। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही भाई ने कि ईद का जो माहौल है सब एक साथ रहने का, सब एक साथ और यही दिख रहा है क्योंकि ये पूरा माहौल है पूरा जयपुर शहर का ईदगाह है। और ईदगाह में आप देखिए किस तरह लगातार नमाजी आ गए हैं, पहुँच गए हैं नमाज पढ़ने के बाद, नमाज अदा करने के बाद। आप सभी को हमारी तरफ से सबको पूरे भारत वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बिल्कुल, आप बताइए चाचा ईद की नमाज पढ़ ली? इंशाल्लाह पढ़ ली, बिल्कुल पढ़ ली। क्या बात, आप बताइए। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। दो साल के बाद कोरोना के बाद में और बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का माहौल और जयपुर की गंगा जमनी तहजीब और ये तहजीब हमें याद दिलाती है कि हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और ईद का जो त्यौहार है ये भी हमें यही बताता है। लगातार आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं रमज़ान के बाद में ईद का माहौल और दो साल के बाद में ये अलग ही माहौल बनकर तैयार हुआ है। कैमरा पर्सन नरेंद्र कुमार के साथ आसिफ खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।